कि क्या था वो? क्या था? जोर से बोलो, पूरा जला दूंगा। अरे तुम बात मत करो शैताना वाला। हाँ कहे में खिला के छोड़े थे बच्चे के आंग में? क्या खाना था वो? दाल था, चावल था, रोटी थी, सालन थी। कहीं को अंदर मिला के इसको खिलाए थे? क्या चीज थी वो? क्या था? डायरेक्ट जादू करके भेजे तुझे। हाँ जोर से बोल, मैं पूरा जला देता हूँ। जलाओ उसके हाथों में, तेज से आग लगाओ, काट के टंगा दू दोनों हाथों बाहर। हाँ जोर से बोल, रोकेगा उसको पढ़ाई को जाने से? हाँ शरारत करेंगे उसके साथ? नहीं कर सकता। हाँ नहीं कर सकता। उसके माँ बाप को सतेंगा? सतेंगा दूसरे बच्चों को? सतेंगा घर में के? कहाँ कहाँ खजाने पे का है? हाँ मार के छोकरे को साथ में ले जाने का था खजाने पे? हाँ मैं वो हाथा कतर देता हूँ, जला के पूरे जलाऊ तेजी से, लगाऊ आग अंदर और भड़काऊ। सतेंगा तुम्हारा बच्चे को अब? जोर से बोल। अच्छा मैं नाम नहीं पूछा तुझे कहाँ से लाए थे? बच्चे के मायके वालों ने लाए थे कि बच्चे के दादी के ददियाल के लोगों ने ला के डाले थे आग में? नाम नहीं पूछा वो लोगों का, किधर के थे? हाँ खाली इतना बोल, किधर के थे? मायके के तरफ के थे, ससुराल के तरफ के थे? इसके नाना नानी के खानदान के लोग थे कि दादा दादी के थे? करे सो हाँ किधर के थे? किधर के थे? किधर के? अच्छा तो खाली बोल दिए जा, सतान तू सता रहा है ना? ऐसा जलाओ जलाओ जरा और तेज जलाओ। अब आएगा उसके पढ़ाई के आड़े? जोर से बोल। नहीं आता। आएगा पढ़ाई के आड़े? नहीं आता। हाँ अब आएगा उसके सताने के आड़े माँ बाप को? नहीं आता। घर में बच्चों को सतेंगा दूसरे? नहीं आता। चल तो बा कर जल्दी, मुंह पे हाथा मार के जोर से कर तो बा और जा दूसरी चक्कर तक सब याद करके आ। कौन डाले थे छोकरे के आंग में? कहाँ से आया था? कितने लोग आते? किसने जादू करा था? सब याद करके आ। चल जा छोड़ उसको। अरे क्या नाम उसका? अरे मोहम्मद सुबेर। अरे क्या हो? कैमरे वाले दरवाजे ये जो है उसको उसके खानदान के लोगों ने किसने कराए थे क्या कराए थे अभी नाम में पूछा है, आगे पूछूंगा। कौन थे वो? ननियाल के थे क्या? ददियाल के लोग थे? बाप के खानदान के थे क्या? माँ के थे? सब बातें नामा सामने ये पढ़ाई नहीं करना, माँ बाप को सताना, परेशान रखना और उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाना बोल के करे थे। वाला को पकड़ा था उसके अंदर जो भी थी, तो उन्हें शरारत कर रहा था घर में, माँ बाप को सता रहा था और पढ़ाई को नहीं जा रहा था बच्चा, ना मदरसे को जा रहा था, ना दारुल उलूम को जा रहा था, ना कहीं चली ना स्कूल को, और उसका फ्यूचर बर्बाद होके हलाक हो जाना बोल किसी दास्तानों से करे थे लोग। ऐसे हरकतें मत करो, और अपने बच्चों को घर से जाने से पहले माँ बाप का भी तो फर्ज है, उनको हदीस सिखाओ, उनको कुरान सिखाओ, उनको सूरह सिखाओ, चारों खुल सिखाओ। मोमिन बंदो तुम्हारे बच्चों को छोटे भी है तुमको चारों खुल पढ़ने आना, उनको बैतुल कुर्सी पढ़ने आना, कम से कम 7 बार बैतुल कुर्सी बच्चों का ऐसा मामूल बनाओ कि बेटा हर खाने के बाद में 7 बार बैतुल कुर्सी पढ़ना, 7-7 बार चारों खुल पढ़ना, फिर खाना खाना। बेटा घर से बाहर जाते टाइम भी 7 बार बैतुल कुर्सी पढ़ के जाओ, 7-7 बार चारों खुल पढ़ के जाओ। छोटे छोटे बच्चों को सिखाओ लोगों, बेगैरत लोगों, शर्म करो। नाचना सिखा रहे, गाना सिखा रहे, जन्मदिन मनाना सिखा रहे, केक काटना सिखा रहे, केक के बर्थडे पे लाखों रुपए उड़ाना सिखा रहे, और ये दीन हदीस सिखाने नहीं आ रहा उनको? ये सब वबाओं से बलाओं से बचेंगे ना उनका फ्यूचर बनेगा ना, कल को बहुत बड़ा इंसान बनेगा ना तुम्हारा बच्चा पढ़ लिख के। दीन और दुनिया उसको सिखाएंगे तो दीन की मदद नहीं लेंगे तुम, और कुरान और हदीस से नहीं पढ़ना सिखाएंगे तो फिर ऐसे शैतान हमला कर देते, शैतान कब्जा कर लेते उनके ऊपर और उनको पढ़ने नहीं देते। ये शर पसंद जिन्नाता, ये वबाएं, ये बलाएं, फिर ये क्या करते उसका फ्यूचर बर्बाद कर देते तुम्हारे बच्चे का। फिर बड़ा होके वो मिस्त्री बनता, वो गाड़ा ढकलने वाला बनता, वो वेल्डर बनता, फिर वो रोज मजदूरी करने वाला इंसान बनता, वो काबिल तारीफ शख्स नहीं बनता, बहुत ज्यादा करोड़पति इंसान नहीं बन सकता, क्योंकि उसको उतना एजुकेशन उस शैतानों ने मिलने नहीं दिए और उस शैतानों उसकी तरक्की जिंदगी पर होने देते नहीं, क्योंकि तुम मर जाएंगे मगर वो मरते नहीं, उनको बहुत उम्र दिया अल्लाह ने। तो इसलिए उनको अपने से दूर रखने के लिए बच्चों को दुआएं सिखाओ। बेटा घर से बाहर निकलते वक्त बेटा बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इतना पढ़ के निकलना बोलना बच्चों को सिखाओ। उनका दिमाग कोरा रहता, कोरा माइंड, जैसा तुम लिखेंगे वैसे लिखे जाएगा उस पर। फिर जब घर से पढ़ के दुआ रखेंगे बाहर कदम
तुम्हारा बच्चा अगर बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बोल के कदम घर के बाहर रखेगा तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं हिफाजत की जिम्मेदारी लेता हूँ। जो भी दुआ पढ़ के घर से बाहर निकलता तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने फरमाया मैं लेता। अब बताओ लोगों, जब अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा तो कौन तुम्हारा क्या बिगाड़ सकेगा? वो बच्चा बाहर जाने के बाद कहीं फंस भी जाएगा मुसीबत आफतों में, उससे पहले से अल्लाह उसको बचाने लगा देता। फरिश्ते थे अल्लाह के पास में, जिसके हुक्म देता फरिश्ते को पहुंच जाते पहले, तो उसको बचा के लेके चले जाते। अब तुम बोलेंगे कि नहीं ऐसा कैसा होता, मैं तुमको वाकया बताता हूँ ना। एक लंदन के अंदर, मैंने इससे पहले न्यूज में पढ़ा था, लंदन या न्यूयॉर्क दोनों में से कोई तो भी शहर के अंदर एक लड़की वहां पर जा रही थी, अकेली ठहरी थी उन्हें, अकेली कोई उसके साथ में मर्द नहीं, और रेलवे स्टेशन पर कोई नहीं रात के वक्त। तो वो लड़की वहां पर से ठहरी तो एक गोरा शख्स वहां ठहरा हुआ था, बाल उसके से बंदे वाले चोटी बिटी पीछे, जो भी लोफर छोकरा टपे वो भी जो भी था वहां ठहरा हुआ था। तो टपोरी छोकरे ने उस पर हाथ नहीं डाला वो लड़की के ऊपर, क्योंकि वहां पर कोई नहीं था रेलवे स्टेशन में, वो ट्रेन आई, लड़की ट्रेन में बैठी चले गई, वो टपोरी छोकरा वहीं ठहरा हुआ था। दूसरे दिन वो छोकरी जब नींद में से उठती तो उन्हें पेपर में पढ़ती कि वहां पर रात में इतने बज के इतने मिनट पे एक लड़की के साथ में जबरदस्ती हुई, उसका इज्जत अफजाई होगी, उसकी इज्जत लूट लिया उसने, वो शख्स ने बोल के उसकी फोटो फोटो पेपर में। तो ये तो लड़की ने देखी और देखने के बाद चौंक गई, ये तो वही लड़का है जो रात में उठा था, और ये इतने बजे का वाकया है, मैं तो उतने बजे वहां से निकली, इसका मतलब मेरे निकलते ही ये घटना घटे गई वहां। तो ऐसा कैसा घटे गई बोलकर उन्होंने क्या करी, फिर मैं भी तो अकेली थी, मेरे साथ इन्होंने जबरदस्ती क्यों नहीं किया बोलकर वो लड़की उसको पूछने के लिए वहां गई जेल के अंदर, बोली कि तूने वो मेरे बाद एक कोई लड़की आई होंगी वो ट्रेन से उतरी हुई, तूने उसके साथ जबरदस्ती करा, बट मैं भी तो अकेली ठहरी रहती, तूने मेरे साथ जबरदस्ती क्यों नहीं करा? तो वो लड़के ने बयान करा कि मैं यकीनन, वो नशेड़ी जो भी था एक सवाल, वो उसने कहा कि मैं यकीनन तेरे साथ भी ऐसा सुलूक कर सकता था, कर रहा था और करना चाहता था, मगर तेरे साथ में जो बॉडीगार्ड खड़े वाले थे उनको देखकर मैं नजदीक नहीं आया, 7-7 फीट के तो तेरे बॉडीगार्ड थे चारों तरफ से घेर के ठहरे वाले। तो लड़की ने तो सोची और बोली मेरे साथ तो कोई बॉडी गार्ड नहीं थे, तो उन्होंने बोला तेरे साथ बॉडी गार्ड थे, चारों तरफ से तुझे घेर के ठहरा लेते ऊंचे तगड़े 7-7 फीट के, बोलकर मैं तेरे नजदीक नहीं आया और वो लड़की मुझे अकेली मिली बोलकर मैंने उस पर हमला कर लिया। तो वो लड़की ने याद करी कि मैं घर से सूरह यासीन पढ़ के निकली थी, तो पेपर में पूरी न्यूज आई वाली थी, पढ़ो नेट पर सर्च करो मिल जाएंगी न्यूज। तो वो लड़की ने बोली कि मैं घर से दुआएं पढ़ के निकली थी, सूरह यासीन पढ़ के निकली थी अल्लाह के कलाम की दुआ करके मदद लेकर, तो यकीनन अल्लाह ने उसको एंड टाइम पर वहां पर फरिश्ते भेज दिया था ना इंसानों की शक्लों में, और वो फरिश्ते वो जालिम को नजर आ रहे थे मगर वो लड़की को नजर नहीं आ रहे थे। तुम्हारे साथ हिफाजती दस्ता रहेगा मौजूद कसम खुदा की, मगर तुमको नहीं दिखेगा, तुम पे अटैक करने वाली चीजों को दिखेगा और तुम्हारे नजदीक नहीं आने देगा। तुम अगर इबादत की राह को मजबूती से थामेंगे और अपने बच्चों को कुरान हदीस दीन ये सब बातें सिखाएंगे, बच्चा दुआ पढ़ के निकलेगा घर से बाहर और उसको किडनैप करने वाले किडनैपर खुद किडनैप हो जाएंगे मगर बच्चों को किडनैप नहीं कर सकते, उसको उड़ाने वाली गाड़ी खुद उड़ के चकनाचूर हो जाएंगे, उसको सहमत नहीं दे सकेंगे, क्योंकि भाई हिफाजत कोई आम इंसान ने और कोई मामूली छोटे मोटे देवता उन्हें शैतान उन्हें जिन्नातों ने नहीं लिया ना, सातों जमीन सातों आसमान का मालिक हर चीज का मालिक और हर चीज पे कादिर है वो, हर चीज पे हुकूमत करता, उसने तुम्हारी हिफाजत की ठान लिया, फिर तुम्हारा कौन बाल बाका करेंगे, कौन तुम्हारे बच्चों का बाल बाका करेंगे? अरे समझो मुसलमानों, बेगैरत बन गए तुम नाम के मुसलमान रह गए, असल मुसलमान कैसा रहता? इबादत की राह, बच्चे माँ बाप को देख के सीखते, माँ बाप टीवियां देख रहे, सीरियला देख रहे, नाच रहे, पपो में जाके आ रहे, और वो बड़े सीटों का बहुत माहौल बिगड़ गया, पपो में भी जा रहे बड़े सीटों में और बर्थडे मना रहे, मगर उनको वो नहीं सिखा रहे बेटा मेलादुन नबी मनाने को तुम बड़ा फतवे ला रहे, शिर्क है। अबे शर्म करो, करम के जलो, तुम्हारे मैंने वीडियो देखा, तुम हाँ मक्के के अंदर मक्के का केक बना के काट रहे तुम, हाँ तो बात ये बिद्दत नहीं रे, तुम्हारे बिद्दत की छूट मिले लिए क्या, तुम जान में नहीं जाने लगे, सर्टिफिकेट मिला क्या, हलाक हो जाएंगे, बेमौत हलाक होंगे तुम लोग, और दूसरी बात दुनिया में भरेंगे और आखिरत में भरेंगे, दीन के अंदर बिगाड़ा पैदा कर रहे, बिद्दतां ला रहे और हमारे को सुन्नी लोगों को भटका रहे, तो बोले तुम इधर जा रहे उधर जा रहे, गरीब लोगों को बेवकूफों को कम इल्म वालों को उल्लू बना रहे, और खुद तुम क्या कर रहे, तुम अपने आप को ये बोलते हम वो है ये है हम बड़े, हमारे वहां से अरबस्तान से दीन निकला, तुम तो नाच रहे तलवार हाथों में लेके पैर में घुंघरू बनो और घुंघरू बन के भी नाचो औरतों के जैसा, बेशर्म हो तुम्हारे, क्या अल्लाह ने रसगुल्ले खाने के वास्ते गद्दी दिया बैठ के,
तू तेको शहंशाह बनाया, तेको सम्राट बनाया, तेको राजा बनाया, तेको वजीर बनाया, तेको कोई भी आला ओहदा दिया अल्लाह ने, तो कहते को रसगुल्ले खाने के वास्ते अल्लाह ने वो ओहदा दिया बैठ के सुकून से। दूसरी तरफ दुनिया में मुसलमानों के बच्चे धूप में तड़प रहे, बिलक रहे, उनको मार रहे, कि तेरे से अल्लाह हिसाब नहीं लेगा, तूने क्या करा था, हमने तेको इतनी बड़ी हुकूमत दिए थे, तो क्या तुम ऐसा बोलेंगे कि हाय हाय अल्लाह उसके पास सुपर पावर था और हमारे पास सुपर पावर नहीं था, बोल के हम उससे नहीं लड़ सके। अब एक कमबख्त सबसे बड़ा सुपर पावर तो तेरे पास रब्बुल आलमीन है अल्लाह फरमाएगा, तब सबसे बड़ा तेरे पास अल्लाह सुपर पावर था, तू फिर उसको लेके क्यों ने मैदान में उतरा? क्या भूल गया 313 का वाकया, 313 लाखों के लश्कर पे भारी थे, क्या भूल गया तारिक बिन जियाद का वाकया, 12,000 की टुकड़ी लेके 1.5-2 लाख के ऊपर भारी पड़ गए थे, काट के 1.5-2 लाख के फौज को फेंक के पूरे यूरोप को फतह कर लिए थे, क्या भूल गया अल्लाह बोलेगा वो वाकया, हमने मुट्ठी भर सेनाओं को लाखों के ऊपर फतेह दी थी, कैसा दी थी अल्लाह ने, पढ़ो ना वाकई पता चलेगा। उनका ईमान मजबूत था, उनका दीन मजबूत था, वो दौर में भी तो वो राजा लोग मुसलमानों के सुपर पावर नहीं थे, मगर फिर भी सुपर पावर को 2 टुकड़ों में चीर के फेंक दिए थे। नाइट बटालियन पढ़ना तारीख इस्लाम पता चलेगा। ऐ मोमिन बंदो, अपने आपको मोमिन बंदे बोलते, तुम आपको शर्म नहीं आ रही रे मौलवी मुफ्ती हो, लोगों को ये बात सिखाने नहीं आ रही तुम आपको? वर्ल्ड का उस दौर का भी तो सुपर पावर नाइट बटालियन था वो 3 लाख की टुकड़ी का, जिसको सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने 2 टुकड़ों में चीर के फेंक दिया था। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की कितनी सी फौज थी, पूरे यूरोप को और पूरे मगरबी मुमालिकों को परेशान कर दिए थे, किसी की हिम्मत नहीं थी सुल्तान के सामने आके खड़े रह के सर उठा के बुलंद करके बात करने की कि हम ऐसा। उनके खबर जब उन्होंने शहीद उन्होंने इंतकाल कर गए दुनिया से, बाद में उसके बाद में उनके खबरों पर जाके वो जो यूरोप के बादशाह थे, जो मगरबी मुमालिक के बादशाह थे, जाकर वहां पर उनके सामने फिर बोले क्या सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी अबूट और हमसे मुकाबला कर, तो यानी कि पता चला तुमको इससे कि वो कितने बेबस हो गए थे सुल्तान जब जिंदा थे और सलामत थे, तो पूरी जरी सर की टुकड़ी लेके पूरी दुनिया के मगरिब मुमालिकों को हिला दिए थे, उनके बादशाहों के सिर पे जूते रख के उनको दौड़ाने लगाए थे, उनके ही जूते उनके सिर पे रख के, तो जुल्म दे रहा था वो, तो पता चला वहां पर ऐसा जुल्म दे रहा बादशाह मोमिन मुसलमान बंदों को भी और वहां की उसकी प्रजा को भी, उसके क्रिश्चियन वाले प्रजा को भी, तो मुसलमान इंसाफ करने वाले थे। मुसलमान ऐसा नहीं सोचते तू हिंदू है, तू सिख है, तू दलित है, कुछ नहीं, इंसाफ, अल्लाह ने बोला इंसाफ पसंदीदा मोमिन बंदे रहते, मोमिन बंदे इंसाफ पसंदीदा, इंसाफ करे जाकर, तो वो वहां के उनके बादशाहों को हरा के उनके जूते उनके सिर पर रख के उनको बोले चलो निकलो यहां से, बहुत बादशाह बन के लोगों को जुलूम दे रहे थे, पढ़ो ना वाकई पता चलेगा, और तुम ऐसे बच्चों का अपना फ्यूचर अपने हाथों से बिगाड़ देंगे तो किसका क्या जाएगा? बच्चे को हमारे इंग्लिश आती, बच्चा हमारा इंग्लिश मीडियम से पढ़ता, बच्चा ने हमारे मराठी में बहुत अच्छे नंबर लाया, तेलुगु में भी नंबर लाया, फलाने जबान में भी नंबर ला लिया, सब में लाया, मगर अरबी नहीं आती थी हमारे बच्चे को, कुरान नहीं आती, वो अभी तो सीख रहा, सूर्य याद है नहीं, नहीं वो तो अभी याद करेंगे, फिर इससे क्या होगा, फिर दुआएं याद है नहीं है, तो तुम्हारा बच्चे का गया भविष्य फ्यूचर सब खड्डे में गया, क्योंकि तुम ये दुनिया का सब याद करा रहे, मगर दूसरे दुनिया से उस पर वार होगा और रूहानियत का, तो उससे भी तो थोड़ा मजबूत रहना ना। बहुत सारे बातें अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों को दुआ याद कराओ, बैतुल खला में जाने की दुआ याद कराओ, अक्सर हमले जादू टोने के बैतुल खला से होते हैं, बच्चे बैतुल खला की दुआ पढ़ के जाएंगे तो अल्लाह हबीस होकर इंसान के बीच में पर्दा डाल देता। उसके बाद में बच्चे को खाने खाने की दुआएं याद दिलाओ, 7 बार अतल ऐसा आदत मामूल बनाओ, बेटे 7 बार अतल कुर्सी पढ़ो, बेटा 7 बार चारों कुल पढ़ के खाने पे दम करके खाओ, दावत में कहीं जाओ, फिर मिलाओ, क्या मिलाते फिर उन पे असर नहीं करता, उनकी हिफाजत अल्लाह करता ना। कुरान सिखाओ, हदीस और कुरान को तोते के जैसा मत रटो, उसको अपनी जिंदगी में ढालो, अपनी जिंदगी में ढालो कुरान हदीस ये सब चीजों को, तो तुम महफूज रहेंगे, कसम खुदा की कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक फरमाए। उनके जितने भी पेशेंट बैठे सब पेशेंट सीरियस थे, उनके जितने बैठे सब के आंगों में सब कुछ उड़ाला, इंसान को समझता नहीं सब चीजें कैसे है बेचारे, नहीं पता चले तक लोगों को जिंदगी आखिरी हद तक पहुंच जाती है, खत्म हो जाती है, हलाक हो जाते, किसका क्या जाता, तुम अगर ना मांगेंगे सीख तो फिर दर दर जाके मुनाफिक और मुशरिकों के दरों पर जाके तुमको भीख मांगना पड़ेगा। और अल्लाह मुसलमान बंदों की हिफाजत फरमाए, मोमिन बंदों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह उसके बंदों की हिफाजत फरमाए, हर जात और हर समाज वाले बंदे को हिदायत दे, अहदिना सिरातल मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब कुछ और सबकी हिफाजत करे। तुम्हारे घर में जादू टोना घुस गया, तुम्हारे बच्चों को परेशान कर दिया, तो तुम जीते जी मर जाते, फिर तुम्हारा पे क्या बीतती मैं बयान नहीं कर सकता, दूसरे लोगों कहाँ से तुम्हारे दर्द का एहसास होगा। इसलिए मैं बार बार यही बोलता कि नेक बनो, नेक रहो, बहुत सारे राजा। हाँ लोगो लोगो लोगो, ये है दूध काले का टाइम लग गया, घर के बाहर अपनी हैसियत के मुताबिक अपन बड़ा टब खरीद के नहीं ला सकते, अपन कम से कम इतना डब्बे का काट के पुट्ठा कुछ भी प्लास्टिक का उसमें पानी भर के छत पे रख सकते,
छत पे साइड में लेंटरों पे कोने कोपरों में रखो, क्योंकि वो चिड़िया वो चरिंदे वो परिंदे वो जानवर कहाँ से पानी पीएंगे। बेगैरत इंसान हो, सारा पानी सुखा दे रहे तुम और फेंक दे रहे बहा दे रहे, और तुम खरीद के लेके पीएंगे 10 रुपए की बॉटल 20 रुपए की, जानवर कहाँ से खरीद के लेके पीएंगा। तो इसलिए जानवरों के लिए भी उनका भी ख्याल रखो, घर के ऊपर से थोड़ा सा प्लास्टिक का डब्बा डुब्बा लोहे का भले ही कटोरी रखो, मगर रखो, रखने वालों में शामिल हो, अल्लाह तुम्हारा को रखने वालों में, और उसके जो चरिंद परिंद है उनको राहत देने वालों में से, पानी पिलाने वालों में से, फैज देने वालों में से शुमार करेगा। तो इसलिए कटोरी भर के क्यों नहीं रखना होता, रखो छत के ऊपर या कहीं भी साइड में, मुक्का जानवर वो जो भी है तड़पता फिर रहा पानी के लिए पानी पींगा। और अगर तुम हैसियत में थोड़े अच्छे हैं तो घर के बाहर सीमेंट का पाइप प्लास्टिक की टाकी काट के कुछ भी ऐसा पानी भर के रखो, ताकि मुक्का जानवर जो रोडों पे फिर रहा, कुत्ते बैल भैंस गाय मोकाट जानवर बकरियां जो भी XYZ जानवर होंगे, वो गिलेरियां चिमकादड़ कोई भी होंगे, तो आके पानी तो पीएंगे, तुम्हारा सवाब तो देंगे अल्लाह। पानी का कितना बड़ा सवाब है, मैं क्या बयान करूँ, तुम्हारा पिलाने वाले को हज का सवाब बोले अल्लाह। इसलिए धुपकाले का वक्त चल रहा, सबको पानी पिलाओ, और हुआ तो लोगों अपने घर के बाहर एक रंजन भी रखा करो, रंजन में पानी भर के इंसान को पीने के लिए भी रखो। अगर कोई इंसान आते जाते वहां से तुम्हारे यहाँ से पानी पी लिया, तो फिर तुम्हारे घर के बबाएं आफतें दलिंदरियां नहुसतें अल्लाह दूर कर देता, तुम्हारे घर में घुसे वाले शैताना जादुओं को हुक्म देता, इनको निकाल के बाहर जला दो, सबको बहको बाहर निकाल के मारने लगाओ, किसी की बोलते ना दुआ कबूलोगे किसका। तो इसलिए जरूरतमंदों के लिए रखो, जरूरतमंदों को पिलाओ। ये देश के अंदर हर इंसान करोड़ों अब्जोपति नहीं है, आज भी मेरे देश के अंदर गरीबी की रेखा के नीचे लोग जीते। तो इसलिए अच्छा ठंडे पानी का बंदोबस्त कराते जाओ, किसी को खिलाते जाओ, कोई मंगने वाला है तो उसको पैसे दान नहीं भी कर रहे तो कम से कम जरूरतमंद को दो, फजूल को नहीं देना, सवाल करने वाले को भीख मांगने वाले को नहीं, जरूरतमंद महसूस करके, रे इसको जरूरत लग गई, जईफ इंसान है, कमा नहीं सकता, या ये मोहल्ले में का जईफ है, तो दिया करो, कुछ भी मदद करो, मदद करने से अल्लाह फिर तुम्हारी मदद करता 70 गुना ज्यादा, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कौन से आए थे? मोमिनपेट में पढ़ रही थी, हम हैदराबाद में थे, वो जमीन जायदाद के मसले में जाके हमारे ससुरे का इंतकाल हो गया था। अब हम बड़े हैं बोले सर, वहाँ पर रुक गए, वहाँ पर गांव में पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर भी ऐसे पेचीदी कहानियाँ हो रहे, और क्या है लोग बोले तो कमर में दर्द पैर में दर्द पढ़ने के तालुक से, कुरान पढ़ने के लिए बोलो या स्कूल का पढ़ने के लिए बोलो, नहीं है दिल पे मंदिर बैठे की बोला कर रही थी ना उसको, अच्छा पढ़ता है पंडित, पढ़ने में तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन क्या है कमर दर्द होती है, रात हो गई पैर दर्द ऐसा, और बुशर्ट उतार के सोते, टी शर्ट ना पहनी, मम्मी बहुत गर्मी लगी, ठंड का लड़ो या धूप का लड़ो, बोला कर रही थी उसको, कुरान पढ़ने नहीं दे रही थी क्या उसको? जी हाँ नहीं पढ़ते, छोड़ देते, ठीक है, मामूल बना देना घर।